नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो क्लास 9 साइंस का हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं इस पार्ट को। तो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर मोशन होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें अगर मोशन हो रहा है तो वो कैसे होता है, इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए हम, अगर मान लीजिए एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़े, वहां पे मेरे हाथ में, एक हाथ में स्टोन है और एक हाथ में पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। उस दोनों को हम लोग छत पर से गिरा देते हैं, ठीक है। ओपनली जस्ट फेंके नहीं है, जस्ट गिरा दे, ड्रॉप कर देते हैं, ओके। तो ड्रॉप करने से होगा क्या, और दोनों को एक साथ ड्रॉप किए तो होगा क्या, तो जो पेपर है वो उड़ते उड़ते धीरे धीरे आराम से जमीन पे आएगा और जो स्टोन है वो एक बार में सीधा जाके जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज सबसे पहले पहुंचा, स्टोन या पेपर में कौन सा चीज सबसे पहले जमीन पे पहुंचा, अर्थ के सरफेस पे पहुंचा, तो सबको आंसर पता है कि स्टोन यहाँ पे पहुंच जाएगा पहले। तो ऐसा क्यों होता है, स्टोन पहले आ गया, पेपर धीरे धीरे, ऐसा इसलिए होता है। इसका जो हम लोग ऑब्जर्वेशन किए, इसका ऑब्जर्वेशन में हम लोग को ये निकलता है कि जो एयर रेसिस्टेंस है, जो ऊपर से गिरा पत्थर, तो पत्थर में एयर रेसिस्टेंस बहुत कम लगा और वो आराम से सीधे नीचे आ गया। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे पेपर की, तो उसमें एयर रेसिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। इस एयर रेसिस्टेंस लगने के कारण वो पेपर धीरे धीरे उड़ते उड़ते धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। ये चीज हमें सबको पता है कि अगर हम स्टोन और पेपर को एक साथ गिराएंगे तो सबसे पहले स्टोन गिर जाएगा और पेपर लेट से गिरेगा, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस इसमें काम कर रहा है। अगर हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट को एक ग्लास चैम्बर में अगर हम लोग करें, जिसमें का अगर हम लोग हवा निकाल चुके हैं, ठीक है, एक ग्लास चैम्बर लेते हैं, ग्लास का एक सील्ड जार लेते हैं जिसके अंदर का हम लोग एयर निकाल दिए और उसके अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हम लोग एक स्टोन को और एक पेपर को गिराते हैं तो दोनों एक साथ आके गिरेगा, ठीक है। इसका मतलब ये आ रहा है, अगर जो एयर रेसिस्टेंस है उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग का जो ऑब्जेक्ट गिरा एक साथ गिरा, इसका मतलब ये चीज आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग गिरा रहे हैं उसके मास से कोई मतलब नहीं है। एयर रेसिस्टेंस के कारण ऊपर और नीचे लेट से गिर रहा था, पेपर और स्टोन जो अलग अलग टाइम पे गिरा वो गिरा, उसके एयर असिस्टेंस का अगर हम लोग एयर हटा देते हैं तो दोनों साथ में गिरेगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर फ्री फॉल का जो कंसेप्ट था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो निकालते थे, उससे भी हम लोग एक बार समझने को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। यहाँ पे स्मॉल जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हो गया कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम हो गया मास ऑफ द अर्थ, आर जो हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है। यहाँ पे सेंटर की बात हो रही, थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी कुछ मीटर की, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर का वैल्यू में, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है उस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो सीधा सीधे डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द अर्थ वो भी कांस्टेंट है, सीधे आर पे डिपेंड कर रहा है, मास मतलब कि डिस्टेंस पे वो भी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो, वो हल्का हो, भारी हो, उसका मास कैसा भी हो, वो बड़ा हो, वो छोटा हो, वो कैसा भी हो, अगर उसको हम लोग एक साथ कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसको बराबर समय ही लगेगा। अगर हम लोग एयर को हटा के देखते हैं तो वो बराबर समय ही लगेगा, ये हम लोग फॉर्मूला से भी यहाँ पे प्रूफ करें, क्योंकि जो मास का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पर तो ये चीज डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला जितना तीन फॉर्मूला होता था वो तीनों फॉर्मूला भी यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है। जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो तीन फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू एटी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला जो फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, उसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो थ्री जो इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये तीनों भी यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस, और जो तीनों फॉर्मूला में जो एक्सेलरेशन का यूज हो रहा है वो एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसलिए तीनों फॉर्मूला का परस्पेक्टिवली देख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और a के जगह पे g का वैल्यू हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला भी सेम है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो
होता है फॉर्मूला, वो तीनों सेम है, बस यहाँ पे एसेलरेशन के जगह पे जी आ जाएगा, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, और ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क करेगा हमेशा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है, डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और टू जी एस, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, उसके बाद टू जी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में अगर कोई मोशन हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो सारा चीज इसी फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक कार फॉल फ्रॉम द लेज, एक ऊंचाई से एक कार गिर जाती है, ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। अगर हम लोग जी का मान कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि आप कैलकुलेशन के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके आप चल सकते हैं, तो यहाँ पे इसी का वैल्यू लेके चलना है, ठीक है। एक ऊंचाई पे कार थी, वहां से वो जस्ट ड्रॉप हो जाती है और ग्राउंड पे आती है 0.5 सेकंड में, और जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या क्या, क्वेश्चन क्या क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे टकराया तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी, मतलब की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पूछ रहा है, उसका पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या थी ड्यूरिंग 0.5 सेकंड, जो ड्यूरेशन था 0.5 सेकंड ड्यूरेशन था उसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, जो जहां से गिरा उसकी हाइट टोटल क्या थी, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, टाइम हमारे पास दिया हुआ है टी इज इक्वल टू हाफ सेकंड दिया हुआ था क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट ड्रॉप हुई थी, कोई वेलोसिटी फेंका नहीं गया था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि जस्ट ड्रॉप हुई थी, शुरुआत में कोई स्पीड नहीं थी उसकी, 0 मीटर पर सेकंड हो गया, ओके। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान बोला है कि जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लेके चलिए, ठीक है, ये भी ले रही है। अब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसको यहाँ पे ए भी लेके चला है, वो पॉजिटिव में लेके चलेंगे क्योंकि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एसेलरेशन भी लग रहा है, ओके। अब स्पीड वाला फॉर्मूला जो होता है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था यहाँ पे, सॉरी ये वाला, v = u + gt, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, v = u + gt, यहाँ पे g लिखो चाहे a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों एसेलरेशन ही है। अब यहाँ पे a लेके चला है तो चलेंगे a लेके ही, लेकिन वैल्यू g का ही पुट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जा रही है, u जीरो है तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, अब बचा gt या फिर at लेके चलो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू at लेके चले, तो एसेलरेशन का मान 10 था, इंटू 0.5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी, फाइनल स्पीड, जब वो अर्थ से सरफेस से जब टकराए, ऊपर से गिरा तो नीचे टकराया होगा ना कहीं पे, तो वहां पे जब टकराया तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, ओके। अब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर देंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, बाय 2 कर देंगे 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ओके। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फिर से हम लोग जो अभी जो तीन फॉर्मूला देखे, ये वाला फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्मूला था इसका उपयोग करने वाले हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। अब कैसे लगेगा ये फॉर्मूला, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, तो यू टी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि u है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये इसका हो गया काम खत्म, अब s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बस इसी से निकल जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हाफ, s इज इक्वल टू हाफ एटी, ए लिखो चाहे जी लिखो एक ही बात है, ठीक है, मैं जी ही कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ का हाफ हो गया, जी का वैल्यू हो गया 10 दिया हुआ है, और टाइम हम लोग निकाला 0.5 सेकंड या दिया हुआ हाफ सेकंड में, तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 1.25 मीटर, तो जो हाइट थी जहां से कार गिरी, वो जो गिरने का जो हाइट था वो 1.25 मीटर था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।